हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरमान है और आपका वेलकम है मेरे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है कि अगर आप HDFC का क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अपने लिए कैसे बेस्ट कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको HDFC की वेबसाइट पे ले जाके सारा कुछ डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ कैसे कार्ड को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं HDFC की वेबसाइट पे आ गया हूँ और यहाँ पे कार्ड भी शो कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे फ्यूचर कार्ड, यहाँ पे सुपर प्रीमियम, यहाँ पे को ब्रांड, यहाँ पे प्रोफेशनल प्रीमियम, प्रीमियम वुमेन, प्रीमियम रेगुलर, कमर्शियल, कैशबैक। अब यहाँ से आप कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप जिस जैसा यूज करना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों आपको कैशबैक चाहिए ज्यादा तो और आप कम यूज करते हैं लेकिन आपको कैशबैक चाहिए और ऑनलाइन ज्यादा यूज कर सकते हैं, उस हिसाब से दोस्तों आप यहां से कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहां पे कैशबैक वाला कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूं, ये रहा कैशबैक, इस पे क्लिक करता हूं। जैसे दोस्तों मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे तीन कार्ड शो कर रहे हैं, दो कार्ड इस पे ऐड हो जाएंगे लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्ड है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इस पे लिख के आ रहा मनी बैग, यही कार्ड दोस्तों मेरे पास भी है, मैं इसको यूज करता हूँ, इसका बहुत बढ़िया है। इसमें जो रिडीम पॉइंट मिलते हैं ये बहुत बढ़िया मिलते हैं और काफी अच्छा है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ 2016 से, तो इसे काफी बढ़िया है। यहाँ पे नीचे देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे व्यू डिटेल लिख के आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं इसकी सारी डिटेल आ गई, जैसे कि यहाँ पे कितने रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे और क्या क्या आपको मिलेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं रिडीम रिवॉर्ड पॉइंट एज कैशबैक ऑन योर मनी बैक क्रेडिट कार्ड 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स 20 रुपए, मतलब दोस्तों अगर आप 100 रिवॉर्ड पॉइंट कन्वर्ट करवाते हैं तो आपको 20 रुपए मिलेगा। उसके बाद नीचे दोस्तों आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ के सारे टर्म्स और कंडीशन भी लिखी है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सैलरी होना चाहिए और यहाँ पे सेम एम्प्लॉय। अगर दोस्तों आप इसमें से दोनों में से कोई एक है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप नहीं भी है तो आप इसको अकाउंट के थ्रू, अगर दोस्तों आपका HDFC बैंक में अकाउंट है तो आप वहाँ से भी इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। ज्यादा डिटेल बताऊंगा दोस्तों तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, फिर आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिटेल आ रही है, आप आराम से इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद इस कार्ड को अप्लाई कीजिए। अब दोस्तों मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर ले जाने के बाद दोस्तों मैं इसको सिंपली बैक करता हूँ। बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो पहले कार्ड आ रहे थे वो यहाँ पे फिर से आ गए। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जैसे सुपर प्रीमियम आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कार्ड चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसी तरह कैटेगरी है, जो कार्ड आप ज्यादा यूज करना चाहें यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। किस कैटेगरी का आप सिलेक्ट करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि दोस्तों अगर जैसे आप ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो आप ट्रैवल कार्ड ज्यादा यूज करें तो ज्यादा सही रहेगा, उसमें आपको कैशबैक मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम ट्रैवल लिख के भी आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक कार्ड शो कर रहा है। अगर दोस्तों ट्रैवल के लिए आप इस कार्ड को यूज करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसलिए दोस्तों हमेशा वही कार्ड ज्यादा सिलेक्ट करें जो आप ज्यादा यूज कर सके, क्योंकि दोस्तों दूसरा कार्ड अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आप जो चीज ज्यादा यूज करते हैं उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसी तरह दोस्तों जैसे कि यह है प्रीमियम वुमन, दोस्तों ये कार्ड सिर्फ लेडीज के लिए, आप अगर लेडीज हैं तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारी इसकी टर्म्स और कंडीशन है, आप आराम से सुकून से पहले पढ़िए उसके बाद ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि दोस्तों कोई जल्दी नहीं है। आप पूरे पढ़ के अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर आप इस बात पे ध्यान नहीं देंगे क्या लिखा है क्या नहीं, आपने उसको अप्लाई कर दिया तो बाद में उसके चार्जेस एक्स्ट्रा जो भी लग जाते हैं फिर उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पे रेगुलर लिख के आ रहा है, यहाँ पे प्रीमियम, आप ऐसे करके सारे कार्ड कोई से भी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। कमर्शियल के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, कमर्शियल जैसे दोस्तों आप किसी बिजनेस के लिए इसको यूज करते हैं और ज्यादा यूज करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट और भी सब कुछ ज्यादा मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसकी फीस और चार्जेस थोड़ा ज्यादा होंगे, इसलिए दोस्तों अगर आप बिजनेस नहीं करते, बिजनेस में नहीं यूज करना चाहते तो आप इस कार्ड को मत अप्लाई करें, लेकिन अगर आप इसको बिजनेस के लिए यूज करते हैं तो दोस्तों आप इसको अप्लाई करें, क्योंकि दोस्तों ये आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा अगर आप बिजनेस में यूज करते हैं तो। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे सारे कार्ड मैंने आपको बता दिए। दोस्तों सबसे पहले आपको सुकून से ये सारी टर्म्स और कंडीशन पढ़ लेनी है, उसके बाद ही कार्ड को अप्लाई करें। दोस्तों जैसे कि आपको कोई कॉल आता है उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाता है, तो तब भी दोस्तों वहाँ पे सारी हिडन चार्जेस जो होते हैं वो आपको नहीं बताए जाते, जो उसकी फीस होती है वो बहुत कम बताई जाती है, सारी जो हिडन चार्जेस और फीस होती है वो आपको ज्यादा नहीं बताते, क्योंकि दोस्तों अगर आपको पता चल गया तो आप उस कार्ड को नहीं अप्लाई करना चाहेंगे। इसलिए दोस्तों अगर आपके पास कॉल भी आती है तो आप सबसे पहले जिस बैंक से भी आए आप उसके वेबसाइट पे जाएं और उस कार्ड की सारी डिटेल लें, उसकी टर्म्स और कंडीशन बड़े आराम से और सुकून से पढ़ें, उसके बाद ही उस कार्ड को अप्लाई करने के लिए बोलें या खुद ऑनलाइन अप्लाई करें।
दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं दोस्तों और भी बैंक के बारे में बताऊंगा, क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊंगा, ऑनलाइन कैसे फ्रॉड ना हो आपके क्रेडिट कार्ड में, या फिर दोस्तों आपके एटीएम कार्ड में ऑनलाइन फ्रॉड ना हो, कैसे दोस्तों आप उसको इंटरनेशनल यूज कर सकते हैं, कैसे उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। कैसे नेट बैंकिंग लॉग इन करते हैं, कैसे मोबाइल बैंकिंग, इन सब के बारे में आप वीडियो अपने चैनल पे बना के डालूंगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।